डॉक्टर साहब हमारा जो माइंड है बहुत सेंसिटिव रहता है right. जो भी शरीर में कुछ भी रोग होता है तो मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता ही है yeah. आ, ये जो किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से जो रोग होते हैं उसका हमारे मन मस्तिष्क पर या मानसिक आ, क्या प्रभाव होता है uh, देखिए ऐसा है कि uh, जब व्यक्ति किडनी प्रॉब्लम से परेशान है तो एक्चुअली क्या है कि उसने जो शुरुआत की है वो तो अपने माइंड से ही शुरू की है ना ज़्यादा टेंशन लिया ज़्यादा चिंता परेशानी उलझन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर बाइक दिवे यद्यपि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ दौड़ के हिसाब से होती है कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता और ना होनी को कोई कर भी नहीं सकता तो चिंता किस बात की और वैसे भी आप जितनी चिंता करते हो क्या आवश्यकता है चिंता करने की क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता लिहाजा आपने शुरुआत अपने ब्रेन से की उसके बाद में आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर और उसके बाद में आप किडनी प्रॉब्लम पे आ गए तो यह कि इसके बाद में अब केवल यही है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है क्योंकि इसमें जो भी आधुनिक दवाइयाँ चलती हैं उसे जो हार्मोन लेवल हैं वो डिसबैलेंस होते हैं और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया या किसी लेडी में स्ट्रोजन लेवल उसका मतलब एबनॉर्मल हो गया तो बचाई क्या जिंदगी में दैट्स वाई आदमी के अंदर जो सबसे इसका आखिरी इफेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू एज वो उसके वैवाहिक जीवन को दुखी बना डालता है परेशान हो जाता है और यदि वैवाहिक जीवन की ही खुशियाँ बिखर गईं तो क्या बचा दैट्स वाई आपको ज़्यादा चिंता परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ब्लड प्रेशर और अपनी शुगर लेवल को नॉर्मल रखिए जिससे कि आपकी किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो ऑटोमेटिक कम होती जाएंगी उसके लिए बेशक थोड़ा सा फाइबर डाइट है फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है सैलेड्स है ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए फलों में अमरूद आपके लिए विशेष फ़ायदेमंद हो सकता है या जो भी फल आपको अच्छा लगे आप ज़्यादा मात्रा में लें और जो जैसे और अन्न की मात्रा है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट नमक का इस्तेमाल आप कम करें और सफ़ेद चीनी हर गिज़ इस्तेमाल ना करें उसकी जगह सुगर फ्री ले लीजिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वरना बगैर सुगर फ्री के भी यू कैन इन्हेल योर मतलब ये टी एंड मिल्क एसेट्रा तो इस तरीके से आ, जो भी इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो आदमी के वैवाहिक जीवन की खुशियों को बर्बाद कर देते हैं और जद ऐसा है तो आप निसंकोच किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलिए उससे काउंसलिंग कीजिए राय लीजिए फिर भी यदि कोई तकलीफ है तो मैं आपके साथ में हूँ कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं मेरी टीम आपको मतलब जो है वो पूरी तरीके से आपके फ़ोन को रिसीव करेगी और आपको बताएगी कि आपको क्या करना है बस ये जो बात आप कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ इसी से सब व्यूअर्स को तसल्ली मिलती है चलिए इसी बात पर एक ईमेल आपको पढ़ के सुनाती हूँ मैं यह है गुरबिंदर लुधियाना से जी. लिखते हैं कि मेरी शादी को दस साल हो गए हैं mm -hmm. संतान सुख से वंचित हूँ एक डॉक्टर के कहने पर स्पर्म की रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला ओलिगोस्पर्मिया की शिकायत है mm -hmm. Uh, कई जगह इलाज करवाया फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ आप मुझे क्या सलाह देंगे वन थिंग आई वॉन्ट टू विद यू कि जो भी uh, आपकी स्पेरमेटोजिनेसिस स्पेरमेटोजिनेसिस का मतलब होता है सुक्राणु बनने की प्रक्रिया अगर बाई दिवे किसी भी वजह से स्लो है यदि आप भी जानते हैं आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि आजकल जो भी ये रेडिएशन वेज हैं जो uh, मोबाइल टॉवर से निकलते हैं या आपके मोबाइल से निकलते हैं पहली बात तो इनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए अपने बच्चों को भी दूर रखिए अपने फैमिली वालों को भी थोड़ा सा दूर रखिए इसके अलावा जो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपकी प्रभावित है तो जब प्रभावित होती है तो उससे पता स्पर्म बनने की संख्या में या तो बिल्कुल नील हो जाते हैं खुदा ने करे किसी को जिसको एजुस्पर्मिया बोलते हैं और अगर बाई दिवे जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर कम बन रहे हैं तो दैट इज़ ऑली अब यह है कि आपने बताया कि कई जगह आपने इलाज किया तो आ, मुझे वो शेक्सपियर बहुत महान विद्वान हुए हैं उनकी एक बात याद आ रही है कि ऑल द फिंगर्स ऑफ द हैंड आर नॉट इक्वल हाथ की पाचुंग बराबर नहीं होती हैं बेशक आपने बहुत सारे डॉक्टर का इलाज किया मैं आपको ये राय दूंगा कि आप किसी अच्छे क्वालिफाइड साइको सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके काउंसलिंग कीजिए उसके कहे मुताबिक अपना दो तीन चार छः महीने इलाज कीजिए जिसमें थोड़ा इलाज लंबा चलता है और ऊपर वाला चाहेगा तो आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा आप संतान सुख से जो वंचित हैं वो मैं समझता हूँ कि लाइन लग जाएगी है ना जितना आप चाहेंगे उतना होगा और फिर भी यदि बाईदी में आपको कहीं पे कोई तकलीफ महसूस होती है यदि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ फिर भी आप हमारी जो भी डॉक्टर्स की असिस्टेंट डॉक्टर्स की या हमारे साहब जाते हैं डॉक्टर सारांश जैन डॉक्टर श्रेन जैन है ना उनको फ़ोन करेंगे वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि अब आपको Uh, क्या करना चाहिए क्या डाइट लेनी चाहिए किस प्रकार से अपने लाइफ स्टाइल में क्या आपको चेंज करने हैं और उस मुताबिक आप चेंज कर लेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे डोंट वरी कोई चिंता वाली बात नहीं वेरी गुड उनको अच्छा लगा होगा तसल्ली मिली होगी क्योंकि आपने कहा कि लाइन लग जाएगी शायद क्रिकेट टीम <laughs> uh, हम यही कामना करेंगे, <laughs> <तुरा> करेंगे. <laughs> फुटबॉल टीम बने <laughs> किसी भी स्वास्थ्य और सेक्स संबंधी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।